हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर की बंजर जमीन पर लहलाने लगे फलों के पौधे, शहरवासी देखने आने लगे अनूठा बगीचा। एक जमाने में सूखी और बंजर जमीन के साथ अपने सुनहरे रेतीले धाराओं के लिए मशहूर रही थार नगरी बाड़मेर की पहचान अब बदलने लगी है। बदलते दौर में बाड़मेर की यही बंजर जमीन अब फल फूल के साथ सूखे मेवे की खेती के लिए भी काफी मुफीद मानी जाने लगी है। बाड़मेर जिले को कभी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज इसी रेगिस्तान में फल फूल की अनेकों प्रजातियां लहलाने लगी हैं। जरूरत है तो बस उचित देखभाल की। ताजा सूरत हाल में अब बाड़मेर में सेब, मौसमी, नींबू के साथ कई तरह के फल लगने लगे हैं। बाड़मेर शहर के बलदेव नगर में रहने वाले मूलाराम चौधरी के सपनों को भी पंख लगने लगे हैं। चौधरी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पद संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने घर में छोटा बगीचा तैयार कर रखा है। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। कई किस्मों के पौधे लगाए जिन पर आज फल नजर आ रहे हैं। अशोक, खेजरी, बेलपत्रा, बिजोरा, नींबू, मौसमी, नारंगी, नीम, चीकू, अनार, सेब, आम, तुलसी, इलायची, जामुन, लीची, शहतूत, सहजन, थाई एप्पल, पुदीना, पपीता, हर श्रृंगार, गिलोय, गुलमोहर, सीताफल, अंजीर, अंगूर, कागजी नींबू जैसे पौधों की देखभाल स्वयं करते हैं, लिहाजा उनकी मेहनत रंग लाई। उनके लगाए पौधे पर पहले फूल लगे और अब फल। आज आलम यह है कि चौधरी का बगीचा देखने आज शहर के लोग आने लगे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मूलाराम चौधरी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। मैं पंचवर्षीय योजना तीसरी है, 5 साल फूलों वाले पेड़ लगाए, अच्छा, फिर काटा, अच्छा, मिला कुछ नहीं, फिर छायादार लगाए, छाया घर वाले अंदर बैठते थे मकान में, मैं ड्यूटी पे, छाया भी कोई काम की नहीं, फिर आया फलदार पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, ये अभी आप जो लगे फल, इसको आप क्या करते हैं, घर में यूज करते हो क्या आगे भी? मतलब खाते हैं, कोई मिलने वाले को थोड़ा बहुत खिलाते हैं, बाकी घर में ही पूरे होते हैं। अभी तक कहीं मतलब मार्केट में नहीं दिया आप कभी? मार्केट में नहीं है सर, ये अच्छा। तो अपना शौक भी है और अच्छा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हूँ बाड़मेर का। इसका पौधा रोपे कितने साल हो गए? ये 5-7 साल हो गए मेरे को। अच्छा, आपके मतलब पहले किसी ने सलाह दी थी क्या आपने अपनी? मैंने कई स्कूलों को हरा भरा किया, जैसे रामू भाई स्कूल के अंदर जो वाटिका मैंने लगाई है, और उंडू के अंदर मैं प्रिंसिपल था, बैरड वाटिका MLA मानवेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया था, सिणदरी के अंदर मैंने पूरी स्कूल की काया पलट की, और नाद के अंदर और मगने की ढाणी में और सरणू में मैन वृक्षारोपण का बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने अनेकों विद्यालयों को हरा भरा किया। अच्छा, उसके बाद अपने अपने घर में मतलब ये पौधे वगैरह लगाए? बिल्कुल, फिर मेरे घर में मैंने फलदार लगाने शुरू किए। अच्छा, आज फल मैं खा रहा हूँ। अच्छा, और शायद आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा मुझे मिलते रहेंगे। आपका और आपका क्या आमजन को क्या आप संदेश देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ कि जितने हो सके पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो बरसात होगी और खुशहाली अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। पेड़ ही जीवन है, पेड़ ही जीवन है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।